these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? Why you play hard? So hello, assalam alaikum, namaste, sat sri akal, kaise hain aap sab log? Umeed hai aap log bahut hi zyada acche honge. Ghar pe reh ke bahut achhi achhi cheeze kar rahe honge aur bahar bhi reh ke bahut achhi achhi cheeze kar rahe honge. So lockdown ke baad main 2-3 saal baad ab video banane ja raha hu, kyunki thoda sa main phansa hua tha, fir maine socha ki thoda aur serious ho jate hain fir se. To so main aaj aap log ka time waste na karte hue direct point pe aata hu. Main aap log ko batane ja raha hu ki iPhone se streaming kaise karte hain, गेमिंग की और किसी भी चीज़ की स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं. तो उसके लिए आप लोग पूरी मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और स्किप बिल्कुल ना करें, आराम आराम से चीज़ें देखें बिल्कुल अच्छे से, और जिससे आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे. क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान था आईफोन से स्ट्रीमिंग वगैरह करने के लिए, गेमिंग वगैरह करने के लिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा. और मैं लाइव भी आता रहूँगा और आप और लाइव में कमेंट करके भी पूछते रहना, मैं सबका जवाब दूंगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आपको करना होगा अपने आईफोन में जो ऐप स्टोर है वहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको स्टीम चैम डाल के सर्च करना होगा. और ये जो स्टीम चैम जो ऐप है इसे आपको इंस्टॉल करना होगा. आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको इसे ओपन करना होगा. ओपन करने के बाद आपको आईडी वगैरह मांगेगा, तो आप किसी भी आईडी से, जीमेल आईडी या यूट्यूब आईडी से आप इसे ओपन कर लोगे. ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. देन इंटरफेस आने के बाद ये मैंने नीचे जो इंसान कैफल गेमिंग लाइव लिखा हुआ है ये मैंने लगाई है. मैं बताता हूँ कैसे लगाई है. आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग पर जाना होगा. यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट है हाउ टू यूज़ के नीचे जो 3 डॉट है आपको वहाँ क्लिक करना होगा. देन आपका सेटिंग के ऑप्शन आ जाएगा. उसके बाद वीडियो सेटिंग के लिए आप रेजोल्यूशन, जैसे अगर आपका अच्छा वाईफाई है तो आप 1080p आप कर सकते हो. अगर आपका आप अगर उससे चला रहे हो डेटा, मोबाइल डेटा से चला रहे हो, तो 720p यूज़ कर सकते हो. जैसे आपका जैसा जैसा वाईफाई है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो. मैं वाईफाई से यूज़ करता हूँ तो 1080p लगा लेता हूँ, ठीक है. उसके बाद आपको जो फ्रेम पर सेकेंड है वो आपको 60 fps रखनी है, ओके. बाकी आपको कुछ नहीं करना है. ये बिट रेट जो है आपको 5000 kbps आपको रखनी है, एंड ऑडियो की जो बिट रेट है 128 kbps रखनी है. अगर आप ऑडियो में गेम खेल रहे हो या वीडियो बना रहे हो या जो भी चीज़ है आप नन भी कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. गेम अगर खेल रहे हो तो गेम पे लगा लेना या नन पे लगा रहेगा. बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर. बाकी सारी सेटिंग आपको सेम रखनी है. ये सारी सेटिंग रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो वीडियो का सरफेस है ये मैं आपके सेटिंग बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ बीच में क्लिक करना है, आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड आपको कैसे सेट करना है, तो बैकग्राउंड जैसे ये वाटरमार्क है, वाटरमार्क आप इधर से नीचे वगैरह लगा सकते हो. देन अगर वीडियो जो है तो जो वीडियो का साइज वगैरह है आप उस हिसाब से वो कर सकते हो. जैसे आप स्ट्रीम जो लाइव आएगा उसमें आप पोर्ट्रेट करोगे तो आपका पूरी स्क्रीन आ जाएगी. और इमेज जो है, ये जो इमेज है ये मेन ये कैसे आती है, इसे मैं फिर से हटा के बता दे रहा हूँ. आप ये हटाओगे, यहाँ पे ऐड पे जाओगे. ऐड पे जाके आपको बना के इमेज आपको ये इस पर क्लिक करनी है, और ये आप कहीं भी लगा सकते हो. मैंने ये नीचे लगाई हुई है, ऊपर गेम चलता है, नीचे ये लगाई हुई है. सो ये पूरा आपका ऐसा सरफेस हो जाएगा. और बाकी आपको फुल स्क्रीन के लिए क्या करना है, ऊपर जो मोड लिखा हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक करना है. और आपका एडवांस होगा तो आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन पे कर लेना, क्योंकि एडवांस पे आएगा तो एडवांस पे ये इतनी चीज़ें आएगी, तो आपको ये फुल स्क्रीन पे ध्यान से कर लेना. ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद आपको जो मेन लाइव आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको 3 डॉट पर जाना पड़ेगा, और ये इंजेस्ट जो लिखा है आपको इस पे जाना पड़ेगा. अब जैसे ये रूटर लाइव एंड ये सारी चीज़ें हैं ये आप में नहीं आएगी. आपको क्या करना है, आपको ऐड पे जाना है, और टाइटल वगैरह सारी चीज़ें जो भी आप स्ट्रीम कर रहे हो, तो आप टाइटल आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने लिख देता है कैफ लाइव, ठीक है. और देन ये सर्वर आईडी, ये सर्वर आईडी आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं बता दे रहा हूँ. सर्वर आईडी अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, लाइक आप जैसे फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, जैसे आप रूटर से स्ट्रीम करना चाहते हो, तो रूटर पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पे जाना पड़ेगा. प्लस पे जाके लाइव स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा. देन आपको अब जैसे इसमें आप BGMI कर लो, देन आपको ये जो फर्स्ट चीज़ है ये URL जो लिखा है RTMP URL, सबसे फर्स्ट वाला जो है आपको कॉपी करना है, और यहाँ पर URL पे जाके पेस्ट कर देना. देन सर्वर जो की है वो ये नीचे वाला है, ये नीचे आपको कॉपी करना है,
और आपको पेस्ट कर देना है और देन आपको ऐड कर लेना, कुछ भी नहीं करना, ये ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाके, अभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और यहाँ पे आपको जाना है चैम पे जाके, चैम पे क्लिक करना पड़ेगा आपको और स्टार्ट ब्रॉडकास्ट कर देना है। लाइक मैं अभी दिखा देता हूँ करके, गाइस अब मैं लाइव आके दिखाता हूँ। आप लोग लैपटॉप में भी, जैसे ये रूटर है, गूगल पे जाओ, यहाँ पे रूटर पे जाओ। अगर आपको लैपटॉप सेम आपको वो करना है और कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मेरा सेम ही आईडी जो इसमें ही वाले रूटर में खुला था वो मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ। एंड आपको यहाँ पे जाके, अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो, फ़ोन से तो मैंने बता दिया, लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जाके सारी चीज़ें जो भी BGMI है सेव चेंजिंग करके, ये मैंने जो है ये मैंने डाल दिया था। लाइक मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कैफ लाइव जो था, यहाँ पे आप देखो 443 443, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड ये आपको प्रेस करे रहना है और यहाँ पे स्टीम चैम पे जाके स्टार्ट ब्रॉडकास्ट कर देना है और ये 3 सेकेंड में स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपने आप आ जाएगा अभी तक 5-10 सेकेंड में। देन मैं, मेरा ये स्टार्ट हो चुका है, अब मैं डायरेक्ट अपना BGMI खोलता हूँ, लाइक आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे 5-10 सेकेंड में आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, लाइक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे भी आप लोग देखिए अब लाइव आ चुका है 5-10 सेकेंड में। देखिए ये सारा इंसान जो कैफ है लिख के आया हुआ है। एंड यहाँ पे गो लाइव, इसके बाद जब ये आपका यही शो हो जाएगा आप यहाँ पे जाके गो लाइव पे कर दोगे एंड आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक आपको फिर से दिखा देता हूँ इंसान कैफ, मैं लैपटॉप में इसलिए दिखा रहा हूँ ये, जिससे अब यहाँ पे आ गया है कॉन्करर कानपुर लाइव आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से देख भी सकते हो, यहाँ से आप सारी चैट वगैरह कर सकते हो। देखिए ये इंसान कैफ जो मैंने लिखा था यहाँ पे कि आ चुका है और सेम चीज़ ये जो मैंने अभी दिखाया था आपको, 5-10 सेकंड थोड़ा लाइव आगे पीछे रहती है। यहाँ पे आप लोगों के सारे चैट्स आ जाएंगे और ये आप लोग देख सकते हैं ये लाइव आ चुके हैं सारी चीज़ें। और आपको सेम चीज़ जैसे मैं YouTube से भी करके दिखा दे रहा हूँ, YouTube पे जाओगे आप लोग को सेम सर्वर की, जैसे आपको YouTube पे लाइव आना है तो वही सेम सर्वर की आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप बाई चांस रूटर से नहीं आ रहा हो, YouTube से आ रहा हो, तो मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाके गो लाइव पे करना होगा क्लिक एंड इसके बाद आपको स्ट्रीम पे जाना होगा। स्टीम पे जाके देखिए आप लोग को यहाँ पे जो भी आपको टाइटल वगैरह डालना है यहाँ पे आप एडिट करके डाल सकते हो और यहाँ पे सेम सर्वर की है ये, आपको वहीं पे रूटर पे, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको रूटर पे वहीं जाके डाल देना पड़ेगा। यहाँ पे जाके ऐड करके, अगर आपको यूट्यूब पे जाना है तो ऐड करके फिर से ये सर्वर वगैरह की जो है यहाँ पे डाल के टाइटल वगैरह सारी चीज़ें डाल के कर देना। लाइक मैं अभी जो अभी भी मेरा लाइव चल रहा है और मेरा सेम आईडी से, लाइक मैं आपको ये जो फ़ोन का रूटर है उस पर भी दिखा दे रहा हूँ, मैं अभी लाइव पे हूँ एंड ये देखिए लाइव स्ट्रीम पे देखेंगे तो मेरा जो है वो लाइव ही है। ये देखिए फर्स्ट इंसान कैफ मेरी आईडी है, ये लाइव है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करो, लाइक करो यार, पूरा अच्छे से पूरा फैला दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। बहुत टाइम बाद में ये स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से वीडियो बनाना, तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और मैं लाइव आता रहूँगा और आप लोग लाइव पे आना और कमेंट करके पूछते पूछते रहना। कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ मुझसे गलती होगी तो मुझे बताना और सपोर्ट करो यार अपने भाई को, लाइक करना ना भूले एवरीथिंग यू डू, क्योंकि आप जो चाह रहे आप वो चीज़ कर सकते हो। चलो शुक्रिया, ख्याल रखो आप लोग, सब लोग अपना, फिर से मिलते हैं।